हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में। सो दोस्तों, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एन रिलेटेड है जी ऑफ एन से थ्रू सम असिम्प्टोटिक नोटेशन, तो अगर जी ऑफ एन रिलेटेड है एफ ऑफ एन से थ्रू सेम असिम्प्टोटिक नोटेशन, तब हम कहेंगे कि वो असिम्प्टोटिक नोटेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सो यहाँ पर दोस्तों, सिर्फ थीटा नोटेशन ऐसा नोटेशन है जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जरा एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि इफ एफ ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन, इफ एंड ओनली इफ जी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। आप सवाल में इफ एंड ओनली इफ इज बाई डायरेक्शनल प्रोपोजिशन, यानी यहाँ पर देखिए, प्रूफ देता हूँ तो अपने आप समझेगा। सो दोस्तों, अगर एफ ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन है, तो मैं कह सकता हूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन, और इसलिए जी ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन, है ना, ऑब्वियसली। सो इसलिए मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। मतलब अगर ये दिया गया है तो ये ट्रू होगा, और अगर ये दिया गया है तो ये ट्रू होगा, इसलिए यहाँ पर इफ एन एंड ओनली इफ यूज किया गया है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफ ऑफ एन जी ऑफ एन से रिलेटेड है, इसलिए जी ऑफ एन एफ ऑफ एन से रिलेटेड है थ्रू असिम्प्टोटिक नोटेशन थीटा। और याद रखिएगा, थीटा ही सिर्फ दोस्तों फॉलो करता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को, बाकी कोई नोटेशन फॉलो नहीं करता। जरा सोचिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिगो ऑफ जी ऑफ एन है, तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? आप यही कहेंगे ना कि एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन या इक्वल टू होगा जी ऑफ एन के। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी ऑफ एन इक्वल्स टू बिगो ऑफ एफ ऑफ एन? नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि एफ ऑफ एन ये इक्वल है या छोटा है। दो केसेस है ना, यहाँ पर कन्फर्म है इक्वल ही होगा, बाकी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, पर यहाँ पर एम्बिग्यूटी है दोस्तों, या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। गेस कीजिए, अगर छोटा अगर हुआ तब ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिगो ऑफ जी ऑफ एन लिख रहे हैं और एफ ऑफ एन छोटा है जी ऑफ एन से, तो जी ऑफ एन इक्वल्स टू बिगो ऑफ एफ ऑफ एन लिखने का मतलब हुआ जी ऑफ एन छोटा होगा एफ ऑफ एन से, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। समझ गए कि आप पहले बोल रहे हैं एफ ऑफ एन छोटा है, बाद में आप बोल रहे हैं जी ऑफ एन छोटा है, तो ये रिलेशन तो कभी वैलिड नहीं करेगा। तो इसलिए जो बिगो नोटेशन है, बिग ओमेगा नोटेशन है, या इस लिटल ओ या लिटल ओमेगा नोटेशन है, उनके ऊपर ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वैलिड नहीं करती है। और अगर हम लोग डिस्कस करें दोस्तों लिटल ओ या लिटल ओमेगा की, तो वहाँ पे क्लियर है। देखिए, अगर हम लोग कहें एफ ऑफ एन इज इक्वल टू लिटल ओ ऑफ जी ऑफ एन, तो इसका डायरेक्टली मतलब होता है कि एफ ऑफ एन जो है ये छोटा होगा जी ऑफ एन से, इसलिए रिवर्स तो ट्रू नहीं होगा, जी ऑफ एन एफ ऑफ एन से छोटा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए आप ऐसे तो कभी लिख ही नहीं सकते जी ऑफ एन इक्वल्स टू लिटल ऑफ एफ ऑफ एन। यानी इफ एफ ऑफ एन रिलेटेड टू जी ऑफ एन, देन जी ऑफ एन रिलेटेड टू एफ ऑफ एन, ये लिटल ओ के लिए वैलिड नहीं होगा, इसलिए लिटल ओ फॉलो नहीं करेगा। बिग ओमेगा एंड बिग ओ में केस में क्या हो रहा है, आप क्लियरली बता नहीं पा रहे इक्वल है या लेस देन है। समझ रहे हैं, जैसे अगर मैं कहूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ, सॉरी यहाँ पर बिग ओमेगा का सिंपल दोस्तों ये रहेगा, ऑफ जी ऑफ एन, तो यहाँ पर दोस्तों ये मतलब होता है कि एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी ऑफ एन। तो आप क्लियरली नहीं बता पा रहे कि ग्रेटर है या इक्वल है, अगर इक्वल टू रहा तब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वैलिड होगा, तो ऑटोमेटिकली वो थीटा का ही केस हो जाएगा। बट अगर दोस्तों एफ ऑफ एन ग्रेटर देन जी ऑफ रहा जी ऑफ एन, तो रिवर्स तो वैलिड नहीं करेगा, इसलिए आप ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं जी ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन। तो अगर ये वैलिड है तो ये वैलिड नहीं होगा। समझ गए? सो इसलिए सिर्फ थीटा एक ऐसा नोटेशन है जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखेंगे, जो इसी का एक एक्सटेंशन है। थैंक यू सो मच।